नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता रानी के भक्त उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, व्रत रखते हैं, मन्नत मांगते हैं, साथ ही भोग आदि तैयार करते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप, कथा और महत्व के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। आज नवरात्रि की द्वितीय तिथि है और माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी के अंतर मन में स्थित देवी का दूसरा रूप शक्ति विग्रह ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाला है। सत चित आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति करना ही माँ के दूसरे स्वरूप का उद्देश्य एवं स्वभाव है। उनकी आभा पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल कांतिमय है। उनकी शक्ति का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है। उनके एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे में जप की माला रहती है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता के इसी विग्रह की पूजा अर्चना और उपासना करते हैं। माता भक्तों को उनके प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करती हैं। उनके उपासक सन्मार्ग से कभी नहीं हटते हैं। माता ने इस रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, जिससे उनका शरीर कई बार क्षीण हुआ। उस समय माँ मैना ने उनकी ये दशा देखकर उमा ओ नहीं नहीं कहकर उन्हें तपस्या से विरत करने की कोशिश की। इसी कारण उनका नाम उमा पड़ा। उस समय माता सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों में भी शिव प्राप्ति के लिए तप करती रही। तीनों लोकों में उनका तेज व्याप्त हो गया। जब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया, माता के इस स्वरूप के पूजन से भक्त दीर्घायु एवं मनोमांछित फल प्राप्त करते हैं। माता को गुड़हल और कमल के फूल बहुत पसंद हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने तथा चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित करने से माँ अति शीघ्र प्रसन्न होकर लंबी आयु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। संशय मुक्त होकर उनकी स्तुति करने वाला भक्त त्रिलोक में विजयी होता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं, इसके साथ ही मिठाई का भोग लगाएं, साथ ही माता को पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की जो व्यक्ति पूजा करता है उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप और साधना से शिव जी को प्रसन्न करके अपने उद्देश्य में सफल हुई थी। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति के अंदर हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। उस व्यक्ति के अंदर संयम, त्याग, तप, जप आदि जैसे गुण भी आने लगते हैं। उम्मीद है माँ की कृपा आज आप सभी पर बरसेगी। जय माता।